हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, झटपट से बनाने वाली हूँ बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिनमें है 8 से 9 मैंने लिए हैं छोटी इलायची, 9 से 10 मैंने लिया है लौंग, 3 से 4 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 4 से 5 मैंने तेजपत्ता लिया है, जिन्हें मैं तोड़कर इस जार में डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी जावित्री का फूल और एक जायफल जिसे मैंने तोड़ लिया था, और यहाँ पे ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच धनिया, साबुत धनिया, ठीक है, आप लोगों ने भी साबुत ही लेना है। और ये लिया है मैंने 1 बड़े चम्मच से थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने लिया है साबुत सौंफ। अब इसे हमें पीस के एक पाउडर बना लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 0.5 किलो दही। ये बाहर वाली दही है, आपके पास घर वाली दही हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने पाउडर बनाया था उस पाउडर को मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये पाउडर इतना ज़्यादा खुशबू वाला होता है ना, जब हम इसे पीस लेते हैं ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, और इससे जो बिरयानी का फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग ज़रूर ऐसे पीस के तब डालिएगा। अब ये मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के और यहाँ पर डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें डाली थी। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा तीखा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने साबुत ही डाल दिया है। अब इन्हें काटने के बाद इनका हम लोग बनाएंगे, मैरिनेट करना है हमें इसे। और इसी के साथ मैं, पता है, यहाँ पर भूल गई थी कि मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, तो फिर मैंने बाद में यहाँ पर 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाला है। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मार्केट वाला होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास था, इसलिए आप लोग पीस के भी डाल सकते हैं। अच्छा, लहसुन ज़्यादा डालने से बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, ऐसा मैंने सुना है और आज़माया भी है। अब इसे मैरिनेट करके कम से कम मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो आप लोग टाइम नहीं हो तो आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 बड़े कप से ऑयल, जितना ज़्यादा होता है बिरयानी में उतना अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पे आलू जो है ना बॉईल कर लिए थे पहले ही, 4 से 5 जो बड़े बड़े आलू थे ना, मैंने उन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के और मैं इसी ऑयल में इसे फ्राई करूँगी, और फिर निकाल के इसी में मैं बिरयानी भी बनाऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। आलू जो है ना वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने आलूओं को निकाल लिया है, और उसी तेल में मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें अच्छे से चॉप कर लिया था, उन्हें कर रही हूँ मैं गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारा मैरिनेट वाला चिकन है ना, उसे मैंने इसमें शामिल कर लिया है अच्छे से। जो हमारे प्याले में जितना भी मसाला लगा है आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इस डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसे मैं हाई फ्लेम पे ही चलाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे इसे ढक करके छोड़ दूंगी, ताकि इसका जो पानी जो होगा ना, दही का और जो चिकन का पानी होगा वो छूट जाएगा, और हमारा जो चिकन है ना वो हल्का हल्का सा गलना शुरू हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, कम से कम 50-60% तक इसे गलाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि फिर चावल के साथ भी गलेंगे ना तो टूट जाते हैं ज़्यादा गलाने से। देखिए यहाँ पे पानी कितने अच्छे से छूट चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो अब मैंने जो चावल फुला के रखे हुए थे ना, 1.5 घंटे पहले ही मैंने चावल को फुला दिया था पानी में, भिगो के रख दिया था। तो आप लोग भी भिगोकर ही बनाइएगा तो बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। डायरेक्टली बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से, ज़्यादा नहीं चलाना है, हमें हल्के हल्के हाथों से चला देना है ताकि गोश्त जो है ना वो टूटे ना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसे छोड़ दिया एक बार हाई फ्लेम पे, ताकि उबाल आ जाए। फिर उसके बाद देखिए इसका जो पानी है ना, हाई फ्लेम पे छोड़ने के बाद चावल थोड़े थोड़े गलने शुरू हो गए थे और पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था।
जब पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने यहाँ पे बिरयानी वाला जो अचार मसाला जो होता है ना, मसाला बोल रही हूँ, हरी मिर्च वाला, मिर्च का अचार, हाँ वो शामिल किया है। और इसके साथ जो उबले वाले आलू थे जिन्हें हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो शामिल कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी रह गया है और चावल भी गल गए थे, मैंने लो फ्लेम पे इसे छोड़ दिया था। अब मैं दोबारा से, जब चावल हमारे ऑलमोस्ट गल चुके थे, तब मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिर्ची का अचार, बिरयानी वाला जो मिर्ची का अचार होता है वो यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बिरयानी वाला ही होना चाहिए, ठीक है। अब इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसमें फूड कलर डाला है। अच्छा, फूड कलर जो है ना मैंने थोड़ा सा डाला था, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बिरयानी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा लजीज बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी थी और एकदम से तैयार भी हो गई थी, कोई झंझट नहीं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और बस आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी बिरयानी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और घर में भी सबको बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।